बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1D का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें हमारे पास क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। सो फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, वो सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हों, लिमिटेड हों, उनको हम कहते हैं फाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स क्या हैं, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं हो सकते, यानी कि वो इतने ज़्यादा अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसके जो कि हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की सिटीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सो ये क्या है, फाइनाइट सेट। सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर, लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, सो ये क्या है, फाइनाइट सेट। थर्ड है सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर जीरो से ऑनवर्ड्स, चाहे आप जितना भी बड़ा नंबर लिखें वो सारे होल नंबर्स में आते हैं, चाहे 100 लिखें, 1000 लिखें, कितना भी बड़ा नंबर लिखें, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ या एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, बिकॉज हम इसको काउंट नहीं कर सकते। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, इसी तरह से इंटीजर्स को भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, मैं अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो ये लाइन है, इस लाइन में कितने ज़्यादा सारे पॉइंट्स हैं मुझे नहीं पता, मैं इसको काउंट नहीं कर सकती ना, बिकॉज मुझे क्या पता कि इसमें मैंने कितने पॉइंट्स लगाए हैं। सो दैट्स वाई हमारे पास पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल या अनलिमिटेड, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ वॉवल्स इन द अल्फाबेट, कितने हैं, 5 हैं, हम सबको पता है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जिनको हम काउंट नहीं कर सकते।